और चलिए अब बात करते हैं पद्म विभूषण तीजन बाई की, जिनको प्रशासन ने भुला दिया था। वहीं एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और डॉक्टरों की एक टीम तीजन बाई के घर पर पहुंची। इस दौरान तीजन बाई की छोटी बहन ने कहा कि आपने खबर दिखाई तो डॉक्टरों की लाइन लग गई, वरना कोई पूछने वाला नहीं था। पद्म विभूषण तीजन बाई जी का स्वास्थ्य स्थिति को लेकर एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर उठाया था और खबर का असर भी आपने देखा कि किस तरह से CNHO भी यहां पहुंचे हुए थे और उनका पूरी तरह से चेकअप किए, परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं जानते हैं जी। अभी टीम CNHO भी आए हुए थे, क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर की टीम? अभी न्यूज़ में आए एक बार सब डॉक्टर की टीम जैसे पहले भी अच्छे से आती इस तो मम्मी की तबियत में और जल्दी सुधार आती। अभी डॉक्टर की टीम ला आके माँ की इलाज उलाज कर रहे तो हमें अच्छा लगा थे, उसने अगर शुरू से अच्छा से इलाज करती तो आज माँ कम से कम अच्छा बैठे उठे लायक बातचीत करने लायक हो जाती। जब जब पत्रकार मन के कलम जब चलते तो डॉक्टर मन के पूरा लाइन लग जाते, ओकर बाद जब पत्रकार मन हाँ चुपचाप बैठ जाते ओकर बाद में तो कोई डॉक्टर नहीं ना कोई इलाज नहीं कोई पानी नहीं है, ओकर बाद तो बिल्कुल सूख जाते। तो अभी हमन कल खबर चला है ना वहाँ CMHO मन पूरा आगे से कहा कहना था अभी ये तुमन हाँ चलाए हा, ओकर बाद में तो डॉक्टर के लाइन लग जाओ। अब जिन दिन तुमन फिर लिखना और बोलना अगर बंद कर देव नहीं तले सारी चीज हाँ बंद हो जाये चुन चुन ले। NDTV के जुबान है हम तीजन बाई नहीं भूलन, जब जब जरूरत पड़ी NDTV खबर उठाई। क्या कुछ स्थिति है तीजन बाई जी की और कब तक वो ठीक हो पाएंगी, आप क्या कुछ सिचुएशन है इसी जानते हैं जी? क्या कुछ है सर, आपने अभी चेकअप किया, क्या लगता है स्थिति कब तक सुधर जाएगी? ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ है, शुगर कंट्रोल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो दवाइयों का डोज एडजस्ट किया था। इनको पहले से ही बीपी शुगर की बीमारी है जिसके लिए सब लाइन से ही उपचार चल रहा है और जाहिर तौर पर बीपी और शुगर में दवाइयों का डोज शुगर और बीपी के लेवल के अनुसार एडजस्ट करना होता है। बीपी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसके अलावा जो थोड़ा सा बात करना कमजोरी है फिर से एक बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि याददाश्त का एक प्रॉब्लम है तो वो एज का है आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें कुछ सुधार होने का चांसेस है? नहीं हम जैसे उम्र के हिसाब से जो याददाश्त कमजोर होती है उसमें प्रयास यही रहता है कि याददाश्त और ज़्यादा कमजोर ना हो, जितनी बेहतर अपनी याददाश्त कर सके। मूल बात यह रहती है कि अभी जैसे घर वालों को पहचान पा रही है, बाहर वालों को ज़्यादा जैसे मिलना जुलना कम है या बहुत दिनों से नहीं मुलाकात हुई उनको नहीं पहचान पा रही है। मूल उद्देश्य यही रहता है कि जितनी याददाश्त बची हुई है वो बरकरार रहे, जो शरीर में क्षमता है वो बरकरार रहे। शरीर एज के साथ कमजोरी आती है उसको दूर करना है।